हेलो दोस्तों, आज हम लोग SAC 1600S 160 टन 160 टन क्रेन सैनी की फुल सर्विसिंग कर रहे हैं। तो आज हम आपको सर्विसिंग करते समय ये बताएंगे कि इसमें कितने फिल्टर है और कौन से फिल्टर कहाँ कहाँ लगते हैं, कितने लीटर इसमें हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है, कितने लीटर इसमें गियर ऑयल और कहाँ कहाँ पड़ता है, बिंच में कौन सा ऑयल पड़ता है, इंजन में कौन सा ऑयल पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको जो तो फिल्टर दिखाते हैं कितने प्रकार के फिल्टर आते हैं और कहां कहां ये फिल्टर लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाल बाल्टियां हैं, इनमें सब में जो तो रेडी यूज कूलेंट सैनी ने दिया है जो 5 लीटर है, तो 5 बाल्टी है सॉरी, और 10-10 लीटर का बाल्टी है। तो ये 10-50 लीटर इनका जो तो रेडी जूस कूलेंट सैनी ने अपना दिया है। इसके बाद मैं आपको इसके फिल्टरों के बारे में बताऊं, तो ये फिल्टर देखिए, ये डीजल फिल्टर हो गया, इसका पार्ट्स नंबर भी आपको दिख रहा है। 1 नंबर डीजल फिल्टर हो गया, ये 2 नंबर डीजल फिल्टर हो गया, इसके बाद ये 3रा ऑयल फिल्टर हो गया, 3रा ऑयल फिल्टर हो गया, फिर ये 4 नंबर भी ऑयल फिल्टर हो गया। कहने का मतलब है 2 ऑयल फिल्टर हो गया, 2 डीजल फिल्टर हो गया, और ये डीजल फिल्टर वाटर सेपरेटर हैं, ये एक वाटर सेपरेटर हो गया, एक ऑयल प्रेशर अलाइनमेंट फिल्टर है 1 पीस, और ये है स्टीयरिंग फिल्टर अलाइनमेंट 1 पीस, और ये दूसरा पीस है स्टीयरिंग फिल्टर अलाइनमेंट, और ये यूरिया पंप फिल्टर है। इसके बाद ये है आपका हाइड्रोलिक फिल्टर, 2 पीस लगते हैं, ये ऊपर वाली हाइड्रोलिक टैंक का है और एक सेम फिल्टर नीचे हाइड्रोलिक टैंक का है। ये आपका हो गया एयर फिल्टर सेफ्टी कॉर्टेज, ये एयर क्लीनर का अंदर वाला फिल्टर है और बाहर वाला फिल्टर एक अलग है, इससे बड़ा उसके अंदर ये आएगा। एयर क्लीनर में 2 फिल्टर लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये फिल्टर कहाँ कहाँ लगते हैं। तो ये वाटर सेपरेटर जो है, ये वाटर सेपरेटर है, वाटर सेपरेटर पीछे वाले एक्सल में लेफ्ट साइड में चेचिस में लगा हुआ है, और ये दोनों डीजल फिल्टर हैं जो लेफ्ट साइड में इंजन के बगल में लगे हुए हैं। ये आपका ऑयल प्रेशर अलाइनमेंट जो है, ये आपका जो गियर बक्सा है, पीटीओ पंप है, उसके बगल में चेचिस में लगा हुआ है। यूरिया पंप तो आपको सबको पता ही होगा, यूरिया पंप में ही लगा हुआ है, टैंक के नीचे खोलना पड़ता है। स्टीयरिंग फिल्टर अलाइनमेंट इसकी बात करें तो ये आगे से 3 और 4 नंबर एक्सल के बीच में जो जॉइंट है उसके बगल में चेचिस में लगा हुआ है, और ये दूसरा जो स्टीयरिंग फिल्टर अलाइनमेंट है, ये सुपर स्ट्रक्चर का जो कंट्रोल वाल है उसके पीछे लगा हुआ है। इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर से हमने इसमें 600 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल निकाल दिया है,
और 600 लीटर हमने निकाला है, और वो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल करीब हमने 30 लीटर निकाल दिया है। कूलेंट भी 45-50 लीटर के लमसम निकाल दिया है हमने। और ये अब सारी चीज़ें हम लोग नया डालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये ऑयल प्रेशर अलाइनमेंट को लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, जो आपको बताया हूँ कि ये जो गियर बॉक्स है, मेन गियर बॉक्स पीटीओ पंप जो है उसके बगल में ये लगा हुआ है। देखिए इसका पार्ट नंबर आपको पहले दिख गया है, इसमें इसको ऐसे डाल दिया। इसके बाद इसको हम ले चलते हैं, अब जगह पे सेट करेंगे कहाँ सेट होता है। एक बार इसका पार्ट्स नंबर आप और देख सकते हैं, ये इस जगह पे ऑयल प्रेशर अलाइनमेंट फिल्टर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग ऑयल प्रेशर फिल्टर को यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं। दोस्तों ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर में स्टीयरिंग फिल्टर अलाइनमेंट इसके अंदर है। खोलो इसको, तो दो कवर दो, फिल्टर निकाल के पॉलीथीन से निकाल। ये स्टीयरिंग फिल्टर अलाइनमेंट इस साइज का फिल्टर है, इसका पार्ट्स नंबर आपको पहले दिखाया हुआ है, उसमें हमने बताया है, हमने ये निकाला और दूसरा ये डाल दिया। अब इसके अंदर का हम कवर लगाते हैं। ये इसका कवर लगा दिया हमने, और इसको अब हम लोग टाइट कर देंगे। दूसरा हमारा स्टीयरिंग फिल्टर सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे से चार और तीन और चार नंबर एक्सल के बीच में लगा हुआ है। ये देखिए सेकंड नंबर स्टीयरिंग फिल्टर सिस्टम है, ये खुल गया हमारा, इसमें हम दूसरा डालेंगे। ये आप देखो, ये हमने निकाल के दूसरा डाल दिया और इसका आप कवर लगा रहे हैं। दोस्तों एक एक चीज़ हम खोल रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, ताकि कोई भी हमारे ऑपरेटर बंधु अगर कभी भी अपने से सर्विस करना चाहें तो सामान और फिल्टर मंगा के कर सकें, कोई भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। अब हम लोग ये इसको लगाएंगे, ये ऑयल फिल्टर है दो पीस, जैसा कि हमने आपको वीडियो में इसका पार्ट नंबर वगैरह सब दिखा दिया था पहले, और आपको बताया भी है कि राइट साइड इंजन में ये दोनों लगे हुए हैं। तो चलिए हम इसको लगा के इसके बाद आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये देखो, हमने ऑयल फिल्टर लगा दिया है। जैसा कि हमने बताया था कि इंजन के राइट साइड में बगल में लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इंजन, एक चैम्बर डायन प्लग है, और ये हमने फिल्टर को ऊपर नीचे ऑयल फिल्टर लगा दिया। और आपको डीजल फिल्टर का फाउंडेशन दिखाऊं तो ये देखिए, लेफ्ट साइड में डीजल फिल्टर का फाउंडेशन है, इसको भी हम लोग लगाएंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग
डीजल फिल्टर लगाएंगे। ये एक एक लीटर का डीजल फिल्टर है और अभी हमने इसमें डीजल भर दिया है। डीजल भर के इसके बाद अब इसको लगाने जा रहे हैं। जैसा कि इसका पार्ट नंबर हमने आपको पहले दिखा दिया है और अब हम इसको लगाने के बाद पोजीशन पे फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अभी ये डीजल फिल्टर लगा दिया है और एक लीटर के दो डीजल फिल्टर हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपको इंजन के बगल में लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो ये सेल्फ के बगल में हमने दो फ्यूल फिल्टर डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग वाटर सेपरेटर को लगाएंगे, जो आपको बता दें कि वाटर सेपरेटर लेफ्ट साइड में सबसे पीछे वाले एक्सल डीजल टंकी के बगल में लगा हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हम लोग वाटर सेपरेटर में डीजल भर रहे हैं। डीजल भरने के बाद में हम इसको किस पॉइंट पे लगाएंगे आपको हम दिखा रहे हैं। ये पॉइंट है वाटर सेपरेटर का, तो इसको अब यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा लग गया वाटर सेपरेटर। इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा और टाइट करो। बस ऐसा लगाओ, दो बस लॉक हो गया ना। हो गया, नहीं बैठा, बैठ गया। ये दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिक टैंक है। इसमें से देखिए हमने फिल्टर निकाल दिया है, हाइड्रोलिक फिल्टर निकाल दिया है। जो फिल्टर इस तरह से है, ये निकाला हमने और ये नया फिल्टर है जिसको हम लोग अब डालेंगे। इसका पार्ट नंबर आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। ये देखिए इसको से है, ये इसको हम दिखाते हैं कैसे डालेंगे। ये नया फिल्टर हमने डाल दिया। डालने के बाद में इसका ढक्कन लगा दिया। लगाने के बाद में ये स्प्रिंग रख के और इसको दबा के टाइट कर देंगे। अब हाइड्रोलिक टैंक का फिल्टर हम लोग डाल के इसके बाद इसका ऊपर का ढक्कन कवर हमने पैक कर दिया। अब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिक टैंक का फिल्टर लगा के कवर बंद कर दिया, इसका ढक्कन बंद कर दिया और अब इसमें हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल डालेंगे। और हाइड्रोलिक ऑयल टोटल इसमें 600 लीटर डालना है। ये जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल सैनी का ही ब्रांड है, 46 नंबर ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल है। ये सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर में अभी डाल रहा है और अभी आउटरिगर वाला टैंक नीचे का अभी वो बाकी है, तो उसमें भी जब हम फिल्टर लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग फर्स्ट बिंच में ऑयल डाल रहे हैं। ये ऑयल का ग्रेड है 220 ग्रेड का ऑयल है। इसमें आपको बता दूं 3 से 4 लीटर ऑयल आता है। देखिए नीचे ये लंकी बोल्ट दिख रहा है, डैन प्लग, और इस साइड में भी एक एलंकी है जो ऑयल लेवल का गेज जो है तो
भोपाल जाता है वो है, वहाँ से खोल के आल भर दो, लेवल हो जाएगा वो, साइड वाले एलंकी से गिरने लगेगा। 220 ग्रेड का इसमें ऑयल आता है। कल नहीं, कल शादी के पड़ी गया था, 3 से 4 लीटर इसमें ऑयल रहेगा। दोस्तों बिंच के बाद अभी हम सुपरस्ट्रक्चर का स्विंग मोटर का ऑयल डैन करेंगे। इसमें भी आपको बता दूं, इसमें भी 220 ग्रेड का ऑयल पड़ेगा। आप देख रहे हैं जहां एलंकी लगी है वो डैन प्लग है, ऐसे ही एक उसके सामने है अपोजिट में डालने के लिए आपको ये वाली डैन प्लग है, यहां से डालना पड़ेगा। वो डैन के लिए एक यहाँ है, एक इसके बगल में है। इसमें भी 3-4 लीटर 220 ग्रेड का ऑयल आएगा। सुपरस्ट्रक्चर बिंच में अभी हम लोग ऑयल डाल रहे हैं, 5 लीटर ऑयल डालना है। 5 लीटर ऑयल इसमें आता है, इसका 220 ग्रेड है, 220 ग्रेड का ये ऑयल है। अब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का पीटीओ गियर का ऑयल चेंज कर रहे हैं, डैन कर रहे हैं। तो इसका आपको डैन प्लग दिखाऊं, ये डैन प्लग, डैन यहाँ से करते हैं और डालने का ये है, यहाँ से साइड से ऑयल डलता है, वही आपका लेवल गेज भी है। 1 लीटर ऑयल इसमें आता है 80W90 का ग्रेड का। ये पीटीओ गियर में हम लोग ऑयल फ्लिप कर रहे हैं, 1 लीटर 1 से 1.5 लीटर ऑयल इसमें डल गया है हम लोग का, 80W90 ग्रेड का। हाँ हाँ वही वही। ये है हमारा 80W90 ग्रेड का गियर ऑयल। अभी हम लोग तीसरे नंबर डिफरेंसर में ऑयल फ्लिप कर रहे हैं, डाल रहे हैं। जो मैं आपको बता दूं, इसमें 15 से 18 लीटर पर डिफरेंसर में ऑयल आएगा, आता है, और इसका ग्रेड 80W90 रहेगा। आपको बता दूं 3 डिफरेंसर है, पर डिफरेंसर में 15 से 18 लीटर ऑयल आता है। अब हम लोग सेकंड डिफरेंसर में ऑयल फ्लिप कर रहे हैं, इसमें भी 15 से 18 लीटर सेम ग्रेड का ऑयल पड़ेगा। अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्राउन में ऑयल फिलअप कर रहे हैं, इसमें भी 80W90 ग्रेड का गियर ऑयल आएगा। इसकी भी क्वांटिटी 15 से 18 लीटर रहेगी। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्राउन में ऑयल अभी पूरा फिलअप हो चुका है। क्राउन के बाद हम लोग लो गियर बॉक्स में ऑयल फिलिप कर रहे हैं, इसमें 11 लीटर ऑयल आता है, जिसका सेम ग्रेड रहेगा, 80W90 ग्रेड का ऑयल इसमें आएगा।
11 लीटर लो गियर बॉक्स। अब हम लोग एक्सल का ऑयल टेन कर रहे हैं, एक्सल में ऑयल डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से टेन हो रहा है ऑयल, ये दोनों प्लग है। सभी का ऑयल डन करेंगे, इसके बाद इसमें ऑयल डालते समय आपको दिखाया जाएगा कि कहां से ऑयल डालते हैं। अभी आप डन पोजीशन देख सकते हैं। अभी हम लोग एक्सल में ऑयल फिलिप कर रहे हैं, जो इसका भी ग्रेड 80W90 रहेगा और 1.5 से 2 लीटर पर एक्सल में ऑयल आएगा। अब हम लोग एयर सिलेंडर का फिल्टर चेंज कर रहे हैं, जो ये अंदर साइड का है। इसका पार्ट नंबर आपको पहले हमने डिटेल में बता दिया है वीडियो में, तो आप पार्ट नंबर आगे आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये उसके ऊपर का है, इसका पार्ट नंबर आपको शायद नहीं बताया हुआ हो, तो इसका पार्ट नंबर आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग ये लास्ट फिल्टर डाल रहे हैं हाइड्रोलिक टैंक का, नीचे वाले हाइड्रोलिक टैंक का लास्ट फिल्टर है। आपको बता दूं, ये टोटल मशीन में टोटल फिल्टर 13 फिल्टर हैं। ये हमारा लग गया है, टोटल 13 फिल्टर इन क्रेन में है। SAC 1600S 160 टन, ये हमारा लग गया। लगा दो डक। इसके बाद हम लोग इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डालेंगे 200 लीटर, जो 46 ग्रेड का रहेगा। अभी हम लोगों ने इसमें 200 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल डाल दिया है फिल्टर चेंज करने के बाद। नीचे वाला हाइड्रोलिक टैंक है, अभी हमारा 200 लीटर में फुल हो गया है। और इसमें गैस में भी यहाँ फुल हो गया है। आपको बता दूं, ये पूरे मशीन की सर्विस में 1000 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल 46 ग्रेड का लगता है। अब लास्ट आपका इसमें रह गया है सर्विसिंग में ट्रांसमिशन ऑयल। ट्रांसमिशन गियर ऑयल जब हम लोग फ्लिप करेंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑयल का डैन प्लग खोला है ऑयल डैन करने के लिए। जो हमारे सर हैं कुंदन सर, ये बताएंगे इसको कैसे खोल के और निकाला जाता। सर बताइए इसको कैसे डैन प्लग। देखिए, सबसे पहले अपना ये ड्रेन प्लग है, ये ट्रांसमिशन का ड्रेन प्लग है। इसको खोलेंगे तो इसमें अंदर एक आपको स्प्रिंग मिलेगी, उस स्प्रिंग को जब आप पुश करेंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा ड्रेन करने का। ये यहाँ से सारा ड्रेन हो जाएगा। और इसके साइड में वो लेवल गेज दिया है, उधर में कैमरा शायद नहीं पहुँच पाएगा, इसके जस्ट साइड में दिया रहता है लेवल गेज।
और इसके सबसे ऊपर में दिया रहता है इसका फिल करने के लिए, वहाँ से ट्रांसमिशन ऑयल फिल करते हैं। सर और इसमें कितना लीटर ऑयल आएगा? इसमें टोटल 12 से 15 लीटर आता है मैक्सिमम। देखिए, और जब अभी हम लोगों ने इसमें 15 लीटर करीब ऑयल जो तो निकाला है, और अभी हम इसका आपको फिल करने का प्लग ऊपर में दिखाते हैं। इसका ऊपर से देखिए फिलअप करने का एक प्लग यहाँ है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से अपन जो है तो 15 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल डालते हैं। अब हम लोग ये ट्रांसमिशन में ऑयल डाल रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑयल फिलअप कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं फिलअप करने का गेज ये है। इसमें 15 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल आता है ZF का, और आपको ये भी दिखा दूं, ये ZF का ट्रांसमिशन ऑयल है। इसमें 15 लीटर आता है। इसका जो है तो फिलअप गेज, लेवल गेज इसके साइड में है, इसके गियर के साइड में है। जब फुल हो जाएगा तो वहाँ से गिरने लगेगा, गिरने के बाद आप प्लग को लगा के 1 लीटर एक्स्ट्रा डाल दें। अब हम लोग रेडिएटर में, ये रेडी टू यूज कूलेंट है, इसको हम लोग डाल रहे हैं। 5 बाल्टी डालेंगे 50 लीटर, 50 लीटर रेडी टू यूज कूलेंट, सैनी का ही ब्रांड है, जो हम लोग इसको डालेंगे। दोस्तों, अब कूलेंट डालने के बाद हम लोग इंजन ऑयल डाल रहे हैं। इंजन ऑयल इसमें 32-33 लीटर आता है, जो 20W40 सैनी का ही ब्रांड है ये भी। इसमें इंजन ऑयल हम लोग डाल रहे हैं। अभी हम लोग पूरा सर्विस करने के बाद, ऑयल ऑयल चेंज करने के बाद हम मशीन की पूरी धुलाई कर रहे हैं। आने दीजिए। सर्विस करने के बाद अब पूरी मशीन में ग्रीस किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूरी मशीन में अभी ग्रीसिंग हो रही है। हर एक पार्ट में इसकी ग्रीसिंग हो रही है। सस्पेंशन के बॉटम में ग्रीस हो रही है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएं, मशीन की फुल एंड फाइनल सर्विसिंग होने के बाद मशीन अभी साइड में आ चुकी है, अब इससे काम किया जा सकता है। और इस सारी वीडियो में अगर जो कुछ आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही क्रेन से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप सबको नॉलेज मिलता रहे। धन्यवाद।